सब्सक्राइब करें एनआईसीटी चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें डेली जीएसटी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। हाय फ्रेंड्स, एनआईसीटी चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है मेहुल पटेल और आज का जो वीडियो है उसमें मैं आपको इन्वेंटरी फीचर्स के बारे में बताने वाला हूँ। मैंने आगे का जो वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग फीचर्स के अंदर जो ऑप्शन रहते हैं उसको कैसे यूज़ करते हैं और उससे उसको ऑन करने से आप क्या क्या चीज़ टेली में यूज़ कर सकते हो, क्या क्या फैसिलिटी आप टेली की यूज़ कर सकते हो। अभी जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ इन्वेंटरी फीचर्स ऑन बहुत सारे ऐसे ऑप्शन है जो कि आप यूज़ नहीं करते होगे। अगर आप वो फंक्शन यूज़ करते हो तो आप टेली में स्मार्ट वर्क कर सकते हो। टेली में बहुत सारी ऐसी फैसिलिटी है जो हमें पता ही नहीं होती है। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाए, अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो इस वीडियो में आप खाली जान लीजिए कि कौन से ऑप्शन से क्या क्या चीज़ होता है, और अगर आपको लगता है कि वो ऑप्शन आपके लिए यूज़फुल है तो आप उसके रिलेटेड जो भी वीडियोस है उसको वीडियो को देखिए और उसको आप अपने टेली के अंदर इम्प्लीमेंट कीजिए, आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो मैं स्टेप बाय स्टेप सारे ऑप्शन आपको बताऊंगा कि कौन से ऑप्शन से क्या क्या चीज़ होता है। डिटेल में मैंने वीडियो ऑलरेडी कुछ ऑप्शन के बना दिए है, और जो ऑप्शन के अभी वीडियो नहीं बनाए होंगे उसको मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा और आपको वीडियो के थ्रू सारी चीज़ सिखाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। अभी अकाउंटिंग ऑप्शन और इन्वेंटरी फीचर्स के अंदर कुछ ऑप्शन ऐसे हैं जो डिफ़ॉल्ट मतलब दोनों सेम है, तो आप अगर अकाउंटिंग फीचर्स में अगर उसको ऑन करोगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट वो इन्वेंटरी फीचर्स में भी ऑन हो जाएंगे। जैसे कि इंटीग्रेटेड अकाउंट्स एंड इन्वेंटरी ऑप्शन आप देखोगे तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पे भी दिखेगा, वो भी ऑन है। फिर आपको इन्वॉइसिंग करके ऑप्शन है, उसमें भी ये सारे ऑप्शन जो आप देखोगे वो भी ऑप्शन आपको अकाउंटिंग ऑप्शन में भी दिखेगा। तो ये दोनों ऑप्शन सेम है, अगर आप अकाउंटिंग फीचर्स के अंदर उसको यूज़ करोगे तो ऑटोमेटिक वो इन्वेंटरी फीचर्स में भी ऑन हो जाएगा। तो आपको और ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अभी इन्वेंटरी फीचर्स के अंदर और एडिशनल क्या क्या चीज़ है, ये भी चीज़ इन्वेंटरी फीचर्स में आ चुकी है। इनेबल जीरो वैल्यू इन ट्रांजेक्शन, ये भी आप अकाउंटिंग फीचर्स में देख सकते हो। देखो ये भी चीज़ यहाँ पे है, ओके। मेंटेन मल्टीपल गोडाउंस, अगर आप अपनी कंपनी के कुछ अलग अलग गोडाउंस को मेंटेन करना चाहते हो टेली में, कि आपका पर्टिकुलर मटेरियल स्टोर गोडाउन में पड़ा है या फिर असेंबली गोडाउन में है या कुछ अल्टरनेट कोई दूसरा गोडाउन है जहां पे आप अपने मटेरियल को रखते हो, तो उस पर्टिकुलर आइटम आपका कौन से गोडाउन पे पड़ा है उस गोडाउन को अगर आप मेंटेन करना चाहते हो टेली के अंदर, तो आपको इस ऑप्शन को यस करना पड़ेगा, जिससे आप परचेज सेल्स और डिलीवरी नोट ये सारे एंट्री करने के टाइम पे आपको गोडाउन सिलेक्शन करने का ऑप्शन आता है, जिससे आप स्टॉक आपका कौन से जगह पे रखना है और कौन से स्टॉक गोडाउन से आपका मटेरियल इन आउट हो रहा है उसको आप मेंटेन कर सकते हो। तो इसका भी मैं डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा, तब मैं आपको मैंने एक वीडियो ऑलरेडी आपको बनाया हुआ है, लेकिन जो एक नया पार्ट उसका 2 बनाऊंगा उसमें मैं आपको डिटेल में मल्टीपल गोडाउन का आपको सिखाऊंगा। सेकेंड ऑप्शन है मेंटेन स्टॉक कैटेगरीज, अगर आप अपने प्रोडक्ट की कुछ कैटेगरी मेंटेन करना चाहते हो, जैसे कि आप टीवी सेल कर रहे हो और टीवी में भी आपकी कुछ 15 इंच की टीवी है, 18 इंच की टीवी है, तो 32 इंच की है, तो उस अलग अलग कैटेगरी का आप स्टॉक मेंटेन करना चाहते हो, स्टॉक रिपोर्ट देखना चाहते हो, तो आप इस ऑप्शन को इनेबल करके आपको स्टॉक आइटम के अंदर स्टॉक कैटेगरी का ऑप्शन आएगा, उसको आप कैटेगरी भी अलग अलग क्रिएट करके अपनी स्टॉक कैटेगरी वाइज अपने स्टॉक को मेंटेन कर सकते हो। फिर जो ऑप्शन है मेंटेन बैच वाइज डिटेल सेट एक्सपायरी डेट फॉर बैचेस, अभी कुछ अगर आप अपने स्टॉक को कुछ आइटम पड़े हैं उसको बैच वाइज मेंटेन करना चाहते हो, तो आप पर्टिकुलर जो बैच है वही आप सेल कर रहे हो और उसका कुछ एक्सपायरी डेट वगैरह भी आप सेट करना चाहते हो कि उसके बाद वो एक्सपायरी हो जाएगा, जैसे कि ये फीचर्स जो मेडिकल वाले होते हैं वही यूज़ करते हैं जो मेडिसिन का काम करते हैं, और या फिर ऐसी कोई दवाई का काम करते हैं कुछ प्रोडक्ट जिसमें एक्सपायरी डेट का होता है, तो वो अपने प्रोडक्ट वाइज आइटम के अंदर एक्सपायरी डेट सेट कर सकते हैं। इसका भी मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, तो आपको समझाऊंगा कि मेंटेन बैच वाइज डिटेल को कैसे यूज़ करते हैं, उसके अंदर एक्सपायरी डेट वगैरह कैसे सेट करते हैं, ये भी एक आपको फीचर्स बहुत यूज़फुल हो सकता है, तो इसका भी जो मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा तब आप उसको देख लेना, ठीक है। फिर ऑप्शन है यूज़ सेपरेट एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी कॉलम्स, ये जो ऑप्शन रहता है उसमें क्या होता है कि समझ लो आप कोई 10 पीस एक आइटम इनवॉइस बना रहे हो जिसमें आपका 12 पीस जा रहा है और एक्चुअल क्वांटिटी 12 पीस है, और आप जो
इनवॉइस कैलकुलेट करना चाहते हो, दो पीस उसमें आपका फ्री जा रहा है, और आप जो रेट लगाना चाहते हो वो 10 पीस का ही लगाना चाहते हो, तो आपको दो कॉलम रहेगा, एक एक्चुअल क्वांटिटी का रहेगा और एक बिल क्वांटिटी का रहेगा। तो एक्चुअल क्वांटिटी क्या करेगा कि जो भी आपका स्टॉक होगा वो आउट कर देगा, मतलब मटेरियल इतना आपका जो इन्वेंटरी आपका प्रॉपर होना चाहिए वो इन्वेंटरी, मतलब जो दो फ्री आइटम दे रहे हो वो इन्वेंटरी से आपका माइनस हो जाएगा, और जो आपका रेट कैलकुलेट करेगा वो जो बिल क्वांटिटी रहेगा, मतलब आपने 10 पीस सेकेंड कॉलम में किया है बिल क्वांटिटी में, तो 10 के ऊपर ही रेट कैलकुलेट करेगा। इसका भी मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, तब आपको समझाऊंगा कि इसको कैसे यूज़ करते हैं। ओके आप अगर बड़ी कंपनी में काम करते हो तो आपको ये ऑर्डर प्रोसेसिंग आना बहुत ज़रूरी होता है। ऑर्डर प्रोसेसिंग क्या होता है कि हम लोग कभी भी बड़ी कंपनी के साथ काम करते हैं तो हमें परचेस ऑर्डर रेज करना पड़ता है, फिर सेल्स ऑर्डर रेज करना पड़ता है, और जब भी वो परचेस ऑर्डर भेजते हैं तो उसके अगेंस्ट में जब भी कुछ मटेरियल आता है परचेस, तो उसके थ्रू हम लोग ट्रैकिंग के थ्रू हम लोग इजीली एंट्री कर सकते हैं। कोई हमने परचेस ऑर्डर दिया हुआ है, उसके अगेंस्ट में कुछ मटेरियल आ रहा है, तो हमें फिर से वो इनवॉइस की पूरी एंट्री करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसी में से हम लोग ट्रैक करके डायरेक्ट परचेस की एंट्री कर सकते हैं। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है परचेस ऑर्डर ट्रैकिंग और सेल्स ऑर्डर ट्रैकिंग का, तो आप उसको देख लेना, वो भी आपको बहुत हेल्पफुल हो सकता है। तो ये दोनों ऑप्शन को आपको इनेबल करना पड़ेगा, तभी आपको परचेस ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर का ऑप्शन आएगा। जैसे हम लोग इसको यस करते हैं तो आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे अभी आपको अकाउंट्स इन्वेंटरी ऑप्शन आ रहा है। अभी देखो जैसे इस ऑप्शन को यस करोगे तो आपको ऑर्डर वाउचर्स यहाँ पे आ जाएगा, जिसमें आप परचेस ऑर्डर सेल्स ऑर्डर जो वर्क ये सारे ऑप्शन को इनेबल कर सकते हो। ठीक है, फिर ये भी एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है इनेबल जॉब वर्क प्रोसेसिंग। जॉब वर्क प्रोसेसिंग का भी मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि यह बहुत ही लंबा प्रोसीजर है जॉब वर्क मेंटेन करने का। आप कुछ मटेरियल अपने जॉब मटेरियल को जॉब वर्क के लिए कहीं बाहर भेजते हो, जब वहाँ से कुछ मटेरियल्स आता है तो उसका पूरा इनवर्ट आउट का प्रोसेस कैसे होता है, इसका पूरा मैं आपको डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। ये भी एक लंबा वीडियो रहेगा जिसमें मैं आपको ये सारी चीज़ जॉब वर्क को कैसे मेंटेन करते हैं, जिससे अपना स्टॉक भी प्रॉपर मेंटेन हो, कि हमारा जॉब वर्क के लिए जो मटेरियल गया वो कौन से लोकेशन पे है, कौन से पार्टी के पास है, और हमारे पास किसी का मटेरियल आया हुआ है जॉब वर्क के लिए तो वो भी हमारे पास कितना है, तो वो भी एक आप मेंटेन कर सकते हो अपने टेली के अंदर। तो इसका भी मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा, तब मैं आपको बताऊंगा। तो जॉब वर्क का भी आप टेली के अंदर मेंटेन कर सकते हो। फिर ये ऑप्शन तो मैंने आपको बता दिया है, यूज़ सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस। अगर आप अपने इनवॉइस में सेपरेट डिस्काउंट का कॉलम देना चाहते हो तो आप दे सकते हो। देखो मैंने यहाँ पे यस किया हुआ है, और हम लोग एक सेल्स की एंट्री देखते हैं। देखो यहाँ पे डिस्काउंट कॉलम आ चुका है, सेल्स ऑर्डर में भी आपको आएगा, अकाउंटिंग में और सेल्स में या परचेस में एंट्री करोगे तो ये आपको डिस्काउंट का एक अलग से कॉलम रहता है, तो आप पर्टिकुलर आइटम वाइज अलग से डिस्काउंट दे सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए आपको ये ऑप्शन इनेबल करना पड़ता है, यूज़ सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइसिंग, और ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेस। अभी हम लोग जब भी कोई परचेस करते हैं तो परचेस के ऊपर हमें बहुत सारे ऐसे कॉस्ट लगते हैं, चार्जेस लगते हैं, फ्रेट चार्जेस वगैरह लगते हैं, तो हम लोग चेक करना चाहते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट का एक्चुअल कॉस्ट कितना निकल रहा है। तो आप प्रोडक्ट का कॉस्ट ट्रैकिंग करना चाहते हो तो इसके ऊपर भी एक परचेस मैनेजमेंट में जो एडिशनल कॉस्ट का भी एक वीडियो बनाऊंगा, इसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि इसको हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, तो हम लोग अपनी परचेस की प्रोडक्ट का कॉस्ट निकाल सकते हैं। फिर यूज़ मल्टीपल प्राइस लेवल। मल्टीपल प्राइस लेवल क्या होता है कि आप अपने डेबिटर्स के ग्रुप वाइज प्राइस लेवल सेट कर सकते हो, कि आप लोकल डेबिटर्स के लिए पर्टिकुलर आइटम का कुछ रेट वगैरह सेट करना पर प्राइस लेवल सेट करना चाहते हो। ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसमें क्या होता है कि समझ लो आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, उसमें अगर कोई बंदा आपसे 5 पीस ले रहा है तो आप उसके वो 0 डिस्काउंट दे रहे हो, फिर 5 से अगर 10 पीस ले रहा है तो आपको ऑटोमेटिक कैलकुलेट होना चाहिए कि ऑटोमेटिक उसका 5% का डिस्काउंट आ जाना चाहिए, फिर अगर वो 10 से ज़्यादा ले रहा है तो उसको ऑटोमेटिक वो 10% डिस्काउंट आ जाना चाहिए। उसके लिए हमें मैन्युअली डिस्काउंट देने की ज़रूरत ना पड़े, हम लोग पर्टिकुलर ग्रुप वाइज और आइटम वाइज रेट डिफाइन कर देंगे, डिस्काउंट डिफाइन कर देंगे, जिससे वो ऑटोमेटिक वो डिस्काउंट कर, मतलब कोई कोई ऐसा बिजनेस रहता है जहाँ पे इस टाइप के प्राइस लेवल सेट करके मतलब डिस्काउंट फिक्स करना होता है, तब आपको ये ऑप्शन मल्टीपल प्राइस लेवल का ऑप्शन यूज़ में आ सकता है। फिर ऑप्शन है यूज़ ट्रैकिंग नंबर। यूज़ ट्रैकिंग नंबर क्या होता है कि हम लोग कभी भी मटेरियल भेजते हैं डिलीवरी चलन के थ्रू, या कभी किसी से मटेरियल आता है डिलीवरी चलन के थ्रू, तो हमें एक डिलीवरी नोट का एंट्री करना होता है। अगर कोई मटेरियल पार्टी से मटेरियल आ रहा है तो हमें रिसिप्ट नोट का एंट्री करना पड़ता है। अगर हम लोग डिलीवरी नोट का एंट्री करते हैं तो जब भी वो डिलीवरी के अगेंस्ट में बिल बनाना होगा तो आपको बताएगा भी, अगर आपने मटेरियल भेज दिया लेकिन बिल बनाना बाकी है, लेकिन अभी GST में तो बिल बनाना कंपलसरी है, लेकिन अगर आपने डिलीवरी नोट बनाया और आपने इनवॉइस बनाना बाकी है
तो उस डिलीवरी नोट को आप ट्रैक करके इन्वॉइस बना सकते हो। और अगर आपने उस डिलीवरी नोट के अगेंस्ट में अगर आपने इन्वॉइस नहीं बनाया होगा तो आपको बिलिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको पेंडिंग बिल दिखाएगा कि ये इन्वॉइस बनाना बाकी है। और कभी किसी से मटेरियल आ गया, आपने उसका रिसिप्ट नोट का एंट्री कर लिया, आपने एंट्री कर लिया लेकिन वो इन्वॉइस की परचेस की एंट्री करना बाकी है, तो आपको वो बिल रिसीव पेंडिंग का भी वो परचेस के भी उसमें भी दिखाएगा कि आपका ये बिल आना बाकी है। तो आप ये और जब भी हम लोग डिलीवरी नोट या रिसीव नोट का एंट्री करते हैं तो हमें परचेस और सेल्स की एंट्री करना बहुत ईजी हो जाता है, आराम से हम उसको ट्रैक कर सकते हैं। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया, तो आप उस वीडियो को देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। ये भी आपको बहुत हेल्प हो सकता है स्मार्ट वर्क करने के लिए। फिर रिजेक्शन इनवर्ड आउटवर्ड, अभी GST आने के बाद जब कोई मटेरियल रिजेक्शन इन आउट होता है तो दरअसल डेबिट नोट क्रेडिट नोट का ही एंट्री होता है, तो इस फंक्शन का हमें यूज़ करना नहीं होगा। क्योंकि रिजेक्शन इन आउट क्या होता है, हम लोग कोई मटेरियल भेजते हैं तब वो मटेरियल सामने वाली पार्टी उसको रिजेक्ट करके वापस भेजती है, तभी हमें रिजेक्शन इनका एंट्री करना होता है। और हमने कोई मटेरियल परचेस किया और उसको हम लोग वापस भेजते हैं सामने वाली पार्टी को, तब हम उसको रिजेक्शन आउट करके एंट्री करते हैं। तो ये रिजेक्शन इन आउट तो अभी यूज़ दरअसल लोग नहीं करते, क्योंकि उसका पूरा एंट्री डेबिट नोट क्रेडिट नोट में ही होता है। फिर मटेरियल इन आउट जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन आपका जॉब वर्क के लिए यूज़ में होगा। जैसे आप इस ऑप्शन को यस या नो करोगे, अगर इस ऑप्शन को आप यस करोगे तो ऑटोमेटिक ये ऑप्शन मटेरियल इन आउट यस हो जाता है, बराबर है। ये जॉब वर्क प्रोसेसिंग के लिए, ये जॉब वर्क प्रोसेसिंग का मैं आपको वीडियो बनाऊंगा, तब मैं आपको बताऊंगा कि मटेरियल इन आउट वर्क कैसे वर्क करता है जॉब वर्क के लिए। फिर यूज़ कॉस्ट ट्रैकिंग फॉर स्टॉक आइटम, ये आपको क्रेडिट नोट का अगर अकाउंटिंग इनवॉइस में एंट्री करना है उसके लिए है, तो आप इसका भी एक वीडियो बनाऊंगा, इसमें आपको बताऊंगा कि यूज ट्रैकिंग नंबर फॉर स्टॉक आइटम कैसे यूज़ करते हैं। तो दोस्तों ये सारे ऑप्शन हो गए इन्वेंटरी फीचर्स के, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता था। और भी एक चीज़ है स्टेचरी में, वो भी मैं आपको थोड़ा ऊपर से बता देता हूँ क्या क्या चीज़ है। GST इनेबल करने के लिए आपको यहाँ पे GST ऑप्शन रहता है, इसको इनेबल करना पड़ता है। इसके अंदर सेटल्डर GST डिटेल्स है, जिसके अंदर आपको पूरा GST नंबर, स्टेट, फिर आपका कौन सा आपका मंथली रिटर्न फाइल कर रहे हो, आपका GST एप्लीकेबल कौन सी डेट से है, फिर ईवी बिल के सारे ऑप्शन है, इसको भी आप यहाँ से इनेबल कर सकते हो। तो ये जो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसको यूज़ कर सकते हो। फिर ये जो ऑप्शन अगर आप यूज़ नहीं करते हो, वेट एक्सरसाइज अभी है ही नहीं, तो आपको इसको बंद कर देना है, जिससे आपको लेजर क्रिएशन के टाइम पे डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। पैन नंबर, फिर आपका CIN नंबर जो भी है वो आपको यहाँ पे लिख देना, जिससे आप इनवॉइस प्रिंट करोगे तो वो ऑटोमेटिक बिल प्रिंट में आ जाएगा, ठीक है। और TDS वगैरह जो भी है, आप अपने फंक्शन को टैक्सेशन के फंक्शन को यहाँ से आप इनेबल कर सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बस यही चीज़ सिखाना चाहता था। अगर आपको लगता है मेरी वीडियो के थ्रू आपको हेल्प मिल रही है, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने ग्रुप में सबको शेयर करें, और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं और भी बहुत सारे वीडियोस बनाने वाला हूँ जो आपको हेल्पफुल हो सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।